हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब ख्याति क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने में एकाधिक गेन पूर्वेन क्यूब मेथड लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जो आपके क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का है। उसके पहले मैंने आपके सामने एकाधिक गेन पूर्वेन मल्टीप्लाई सिखाया था, और उसके पहले मैंने आपको एकाधिक गेन पूर्वेन स्क्वायर मेथड भी सिखाया था, और आज आपके सामने जो है वो क्यूब मेथड है एकाधिक गेन पूर्वेन का। तो देखते हैं किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला किस तरह से बनता है इसका। क्यूब का फॉर्मूला जो होता है ना, a प्लस बी होल क्यूब। तो इसको किस तरह से लिखा है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर है। क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है प्लस b का क्यूब। अब देखते थे अपन क्या करते थे, वहां पे क्वेश्चन आता था, अब यहां पे जानना a प्लस बी का क्यूब। अब इस फॉर्मूले के अंदर इसको क्या करना है, एकाधिक करना है, एक इसके साथ बढ़ा देना है। तो किस तरह से बढ़ाएंगे देखें फॉर्मूला। तो यहां करना है a स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। a स्क्वायर और क्या कर दिया, एक डिजिट बढ़ा दिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन होता जैसे 45 है, तो यहां का a ये है, तो अपन क्या करते थे, तो यहां क्या करना है 4 का स्क्वायर a प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 16, ओके मल्टीफाई, तो आपका आंसर क्या आता है यहां पे 80। स्क्वायर मेथड आप देखोगे उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने यहां क्या किया, एकाधिक कर दिया है यहां पे, अब यहां पे एकाधिक कर दिया, अब यहां पे अपन कम कर देंगे। यहां अपन ने बढ़ा दिया है तो यहां कम करेंगे, तो किस तरह से कम करेंगे तो वो देखें। अब मैं यहां पे 3 और b को यहां हटा दूंगा, तो किस तरह से हटाएंगे, हट जाएगा तो क्या आएगा वहां पे, तो मैं यहां लगा दूंगा a स्क्वायर d। तो d क्या है, डिफरेंस देखो किस तरह से निकालेंगे, तो d कहां जाएगा, d का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो देखो मैं यहां ले आता हूं उसको 3b, क्या आ गया यहां पे, आ गया 3 और b कहां पे आ गया यहां पे, d इज इक्वल टू, अब इस 3b के अंदर आपको क्या करना है, माइनस 10, क्या करना है माइनस 10 कर देना है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 3b माइनस 10, बस इस तरह से करना है। अब यहां पे जो भी है वैसे के वैसे ही लिखना है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अब d की वैल्यू भी पता चल गई, तो देखे क्वेश्चन किस तरह से होता है। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 45 का क्यूब, तो देखें किस तरह से करेंगे। तो आपके सामने क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, कोष्टक ए प्लस 1, ठीक है। तो यहां क्या करना, पहले तो आपको लिखना है ए क्या है आपके पास, 4, ए क्या है 4, बी कितना है आपके पास 5, ठीक है, और अपने को यहां किसकी जरूरत है, डी की जरूरत है। तो डी किस तरह से निकालेंगे अपन, डी इज इक्वल टू 3b माइनस 10 करना था, तो 3b अब की वैल्यू अपनी कितनी है 5 है, तो 3 मल्टी 5 माइनस 10, तो कितना आएगा यहाँ पे 15 माइनस 10, तो आपका आंसर आएगा d 5। इस वैल्यू को अपन क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो किस तरह से होगा देखें। अब यहां प्लस है तो वह आपको क्या करना है, ओब्लिक कर देना है, क्या करना है ओब्लिक करना है, तो किस तरह से करेंगे देखें। ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ठीक है, 4 प्लस 1 क्यों किया, a प्लस 1 कोष्टक बन, अब यहां पे क्या लग जाएगा ओब्लिक a स्क्वायर d, a स्क्वायर तो a कितना आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर मल्टी d, d आपके पास कितना है 5 है, ठीक है। अब देखें 3ab स्क्वायर, तो यहां क्या करना, 3 मल्टी 4 मल्टी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब साथ में क्या है, b क्यूब है आपके सामने, तो किस तरह से करेंगे 5 क्यूब, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो देखें किस तरह से होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 मल्टी 5, ओके। अब देखें यहां पे 16 मल्टी 5, अब देखें यहां पे 3 मल्टी 4 12, और कितना हुआ यहां पे 12 मल्टी 25, अब 5 का क्यूब कितना होता है 125
125। अब देखें 16 की टेबल 5 टाइम बोलने पर कितना आता है, 80/18/12×25 की टेबल बोलो तो कितना आएगा 300। अब यहां पे कितना आएगा 125। अब देखें यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे इकाई डिजिट रखनी है यानी यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 12 जो हो गए वो आगे आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहां 12 को ऐड कर देंगे अपन, तो कितना होगा यहां पे 312। अब क्या करेंगे, यहां से 31 को अपन कहां ले जाएंगे, आगे जोड़ देंगे, तो यहां पे 31 को जोड़ दो, कितना है यहां पे 111, ठीक है। फिर से इकाई यूनिट छोड़ दो, आगे की डिजिट 11 है, उसको यहां ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना आएगा यहां पे 11 को इसके साथ जोड़ देंगे तो ये कितना होगा 91, ठीक है। तो आपके सामने आंसर क्या होगा, पता चल गया होगा। पीछे से देखें, यहां से यहां क्या बचा 5, तो 5 यहां क्या बच रहा है, यहां पर ने कितना आया था 312 आया था, उसमें से क्या बचा 2, तो अपन ने क्या लिखा यहां पे 2, ठीक है। यहां अपन आगे जाएंगे तो देखेंगे 111 आया था, उसमें से क्या बच रहा है इकाई यूनिट 1, तो बिल्कुल अपन 1 लिखेंगे यहां पे। अब 11 को इसके साथ जोड़ दिया था तो यहां पे कितना आया था 91, तो अपना आंसर क्या आया 91125, तो ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है आपके सामने यहां पे मैं लिख रहा हूं 24 का क्यूब। सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहां पे, ए इज इक्वल टू आपके पास 2 है, बी इज इक्वल टू आपके पास कितना है 4 है, और आपके सामने डी कितना है, डी निकालने के लिए क्या कहा था मैंने 3b-10, तो 3 की 3 मल्टी बी अपने पास 4 है माइनस 10, तो कितना हुआ 12-10, तो कितना आया अपना 2। तो देखें यहां पे किस तरह से करना है, आप देखें फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर यानी कितना है 2 का स्क्वायर और a+1, तो क्या लिखेंगे यहां पे 2+1/a² d, इसका मतलब क्या लिखेंगे यहां पे 2 का स्क्वायर मल्टी डी कितना आया 2, ओके। यहां पे लिखा हुआ है 3a/b का स्क्वायर, तो किस तरह से लिखेंगे 3 × 2 × b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब लास्ट में क्या है b³, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यहां किस तरह से करेंगे, अब 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ठीक है, मल्टी कितना आया 3। अब देखें 2 का स्क्वायर 4 × 2, अब देखें 6 × 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और 4 का क्यूब आपके सामने कितना होता है 64, ठीक है, 64 होता है। देखें तो अब क्या होगा, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 6 × 16 कितना होगा 96। अब देखें 64, अब क्या करने का था मैंने, यहां पे यूनिट डिजिट ले जानी चाहिए, तो यूनिट डिजिट किस तरह से निकालेंगे, 6 को ट्रांसफर करेंगे यहां पे आगे, तो +6 कितना आया 102। अब क्या करना है यहां पे, यहां जो यूनिट डिजिट रह जाएगी तो 10 को आगे जोड़ देंगे, तो इसको 10 को जोड़ने पर कितना आएगा यहां पे 18। अब यहां पे भी यूनिट डिजिट रह जाएगी, इसलिए इस 1 को किस तरह कहां जोड़ देंगे, आगे जोड़ देंगे, तो +1, तो यहां कितना आएगा 13। तो आपके सामने क्या बच गया, पीछे से देखते रहे, तो यहां देखना आपको 4, यहां से आपका क्या बचा 2, ठीक है, यहां से क्या बच रहा आपके 8, और आगे जो डिजिट है वो आपको वहां पूरी लिख देनी है, तो यहां कितना आएगा 13, ठीक है। तो आपके सामने आंसर हो गया 13,824। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बिल्कुल ये समझ में आया है तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है शेयर करना। तो और इस क्लास को देखते हुए आपको समझ में आया होगा कि बहुत आसान तरीका आपको समझा रहे हैं, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 106 का क्यूब। अब सबसे पहले आपको जानना है यहां 3 डिजिट आ गई है,
तो किस तरह से करना है आपको देखो। तो यहां पे आपको ए जो मानना है वह है 10 और बी जो आपको मानना है वहां पे 6, ठीक है। आगे की दोनों डिजिट जो है आपको ए मानना है, ठीक है, बी आपको पता है। अब आपको डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 3b तो 3 मल्टी 6 माइनस 10, तो 6 3 जा 18, तो क्या आएगा 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। तो देखिए आगे किस तरह से प्रोसेस करते हैं। तो देखें अब फॉर्मूला आपके सामने क्या है, a स्क्वायर यानी यहाँ पे 10 का स्क्वायर। अब अपन डायरेक्ट कर सकते हैं a प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 11, ठीक है। नेक्स्ट है a स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर मल्टी 6, तो ठीक है 6 नहीं आएगा यहाँ पे, आपको d की जो वैल्यू वो लिखनी है, तो वो आएगा आपका 8, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या करना है, 3 मल्टी 10 मल्टी 6 का स्क्वायर और बी क्यूब यानी बी अपना कितना है 6 का क्यूब, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे यहाँ पे, तो देखें 10 का स्क्वायर कितना होता है अपने को पता है 100 होता है, तो 100 मल्टी 11 तो कितना आएगा यहाँ पे 100 मल्टी 11 तो आपका यहाँ पे आएगा 1100, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हुआ आपको 100 मल्टी 8 करना है, इसलिए मतलब आपको यहाँ पे क्या आंसर लिखोगे आप बताइए, यहाँ पे आपके सामने आएगा 800, ठीक है। 3 मल्टी 10 30 और 6 का स्क्वायर यानी कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए यहाँ पे 30 मल्टी 36 0 6 रिजा 18 मल्टी क्या होगा आपके सामने 0। अब देखें यहाँ पे 3 रिजा 9, ठीक है, तो आपके सामने आएगा 1080, ओके। अब 6 का क्यूब कितना होता है 216, अब देखें यहाँ पे क्या करना सिखाया था मैंने आपको, 21 ट्रांसफर किया आगे, 21 का ट्रांसफर करेंगे आगे तो कितना है यहाँ पे जोड़ दो, कितना आया 182 10 11, यहाँ पे क्या करेंगे 110 को आगे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 110019, उसके बाद 91 को अपन यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 91 को यहाँ जोड़ देंगे आगे तो कितना आएगा 1911, तो इनका आंसर क्या हुआ पीछे से लिखना चालू करें 6, यहाँ से क्या बचा 1, ठीक है, यहाँ से क्या बचा 0 और आगे कितना है 1191, तो आपका आंसर कितना हुआ देख लें यहाँ पे 1191016, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो आपको करना है बिल्कुल, क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल और जरूर करें। यहां देखें तो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 34 का क्यूब, आप देखें क्वेश्चन सेकंड जो है आपके सामने 44 का क्यूब, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने जो है 54 का क्यूब और एक क्वेश्चन और देख लें आप, आपको करना है यहाँ पे 73 का क्यूब, ओके। तो इन क्वेश्चन को करें, सॉरी 73 का नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको तीन ही क्वेश्चन करने हैं और इनका आंसर आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जय हिंद जय भारत ख्याति क्लासेस।